स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पोरोस फोटोशॉप कैमरा एंड मोबाइल्स में। आज हम बात करेंगे सैमसंग नोट 8 में एंड्रॉयड 8.0 से अपडेट करने पे एंड्रॉयड 9 ओरियो में क्या चेंजेस आते हैं। तो आप ये देखिए, ये आइकॉन चेंज है और ये नोटिफिकेशन पैनल चेंज आ रहा है। ये देखिए, ये इसमें ऐसा आता है और इसमें ये, ठीक है। और उसके बाद ये डायलर मोड वगैरह ये भी सब चेंज है। मैसेजिंग में भी आपको चेंजिंग दिखेगा और कॉन्टेक्ट में भी आपको चेंजिंग दिखेगा। और उसके अलावा सेटिंग में भी मैं आपको बता देता हूँ सेटिंग में क्या चेंजेस है। ये सेटिंग के मोड भी चेंज है, ये ऊपर ऐसे बड़ा सेटिंग आ रहा है इसमें और इसमें पूरा ऐसे आ रहा है। सर्च बार ये इधर आ रहा है और इसमें सर्च बार ये यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा डिस्प्ले में मैं आपको बताता हूँ क्या चेंजेस है। ये डिस्प्ले और इसमें ये डिस्प्ले, इसके अंदर आपको ये एडेप्टिव ब्राइटनेस वगैरह ये तो सब सेम ही है। एक ये नाइट मोड एक्स्ट्रा मिल रहा है जो कि नोट 9 एंड्रॉयड 9 अपडेट के बाद आया है। और एक ये आता है नेविगेशन बार, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए नेविगेशन बार, नेविगेशन बार के अंदर इसके अंदर ये एक ही सिस्टम है, ये स्विच का जो ये नेविगेशन के बटन दिख रहे हैं एक और होम स्क्रीन वगैरह। और इसमें ये आ रहा है ऐसा फुल स्क्रीन गेजर, जो कि ये गेजर हिंट ये शो हो रहा है। ये देखिए गेजर हिंट को करेंगे ये तीन, ये ऐसे आ गया, इससे बैक और इससे होम स्क्रीन और इससे वो मोड। तो मैं आपको बताता हूँ कि, ठीक है फ्रेंड्स, तो नेविगेशन बार में ये गेजर मोड चेंज होता है और ये नेविगेशन बटन्स भी अपन रख सकते हैं और फुल स्क्रीन गेजर, ये गेजर ये ऐड हुआ है। और इसके अलावा नाइट मोड मैंने आपको बता दिया। और कैमरा चेंजिंग के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कैमरा चेंजिंग में क्या है। हाँ, तो कैमरा चेंजिंग के अंदर आप ये देख लीजिए, ये यहाँ पे 2x और ये 1x का ये यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा साइम्बल आ गया है। और ये जो मोड है ये ऑटो प्रो लाइव पनोरामा सुपर स्लो मोशन स्लो मोशन हाइपर लैप्स से फूड और वर्सल शॉट ये सब इसमें ये यहाँ पे दे दिया है। ये देखिए सुपर स्लो मोशन, इसमें भी ये सुपर स्लो मोशन है नोट 8 पुराने वाले में भी, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा चेंजिंग है और कैमरा सेटिंग भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये आप देख लीजिए इसके अंदर ये कैमरा सेटिंग चेंज हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए 3.4 और ये जो इमेज की डिस्प्ले के जो फोटो की साइज होती है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं 3.4, और इसमें ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ फुल स्क्रीन होता है, इसमें एक ही मोड था, ठीक है। और बाकी ये टोन इफेक्ट ये यहाँ पे दिया हुआ है और ये अलग अलग दिया हुआ है, ये ब्यूटी मोड का और ये वो सब अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके अलावा इसके अंदर अपने को वो मिल जाएगा माई इमोजी बनाने के लिए, अपने को यहाँ से कर सकते हैं इमोजी के लिए अप्लाई। ये देखिए एआर इमोजी, और एआर इमोजी को क्रिएट माय इमोजी पे जाके आप इमोजी बना सकते हो, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो तो इसमें भी है लेकिन इसमें थोड़ा अलग से है। और इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ कि एस पेन के अंदर एक चेंज हो गया है, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में क्या चेंज है। देखिए एस पेन के अंदर बाकी ये सब सेम ही है, ये क्रिएट नोट, ये थोड़ा जो डायलर ये आइकॉन चेंज है क्योंकि नोट 9 अपडेट है इसकी वजह से, बाकी ये सब चेंज है। यहाँ पे पेन अप ऐड होता है, जो यहाँ पे इस पे पेन अप ऐड होता है और इसमें पेन अप ऐड नहीं होता है, वो अंदर से जाके करना पड़ता है, जो आप कर सकते हो पेन अप में। और बाकी एस पेन में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है। और उसके अलावा एस पेन इसके अंदर मल्टीपल एस पेन, आप 2-3 एस पेन यूज कर सकते हो इसके अंदर, जो कि सिस्टम इसमें नहीं है। और फेस और आइरिस साथ में इसमें भी काम नहीं करता है और इसमें भी साथ में काम नहीं करता है, या तो आप आइरिस और फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर सकते हो या फिर फेस और फिंगरप्रिंट लॉक, दोनों ये दोनों साथ में कर सकते हो, लेकिन आइरिस और फेस दोनों साथ में नहीं कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ छोटे से अपडेट के बाद चेंज एंड्रॉयड 8.0 से एंड्रॉयड 9 में ओरियो से पाई में, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।